हेलो फ्रेंड्स, आज का स्टोरी है पोएट्स एंड पेनकेक्स। इस स्टोरी में राइटर अशोका मित्रन जिमिनी स्टूडियो के बारे में बात करते हैं। जिमिनी स्टूडियो जो कि किसी भी बात को स्पॉटलाइट में रखने में मदद करता था, स्पॉटलाइट यानी कि सुर्खियों में। राइटर इस स्टोरी को पेनकेक्स मेकअप ब्रांड के बारे में बात करते हुए शुरू करते हैं, जो कि जिमिनी स्टूडियो में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था। आगे राइटर ने एक्टर और एक्ट्रेस का मेकअप रूम की कंडीशन बताते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा हेवी लाइट का सामना करना पड़ता है। राइटर के अनुसार मेकअप डिपार्टमेंट का काम कुछ भी नहीं है, बस उनका काम मेकअप करवा के बंदे का फेस को अगली बनाना है। फिर राइटर मेकअप डिपार्टमेंट के ऑफिस बॉय के बारे में बात करते हैं, जिसका काम अभिनय करने वाले भीड़ के फेस में पेंट करना है। ऑफिस बॉय एक पोएट था जो इस इंडस्ट्री में एक्टर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर या लिरिसिस्ट बनने के होप में आया था। उस समय ऑथर का काम केबिन में बैठकर न्यूज़पेपर कटिंग कलेक्ट करने का था, जिसे उस इंडस्ट्री के लोग काम नहीं मानते थे। इसलिए ऑफिस बॉय अपने फ्री टाइम में ऑथर के केबिन में आकर शिकायत करते रहता था। वो कहता था कि उसके दुख का कारण सुब्बू है। वो सोचता है कि सुब्बू को जो एडवांटेज मिलता है उसका मूल कारण है कि वो ब्राह्मण है। सुब्बू एक बहुत ही वफादार इंसान है, यही चीज़ उसे बहुत आगे ले गई। वो किसी भी फिल्म के शूटिंग को बिल्कुल आसान बना देते हैं और उसके बिना कोई फिल्म शूटिंग करना बहुत मुश्किल का काम होता है। वो पोएम भी लिखता है। सुब्बू स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करता है, जहाँ पर लॉयर भी होते हैं, लेकिन वो लॉयर लीगल एडवाइस से ज़्यादा इलीगल एडवाइस देता था। जिमिनी स्टूडियो में सबका अपना अपना सपना होता है, लेकिन सुब्बू उन सब से अलग न्यूट्रल थे। ऑथर आगे बताते हैं कि कैसे जिमिनी स्टूडियो ने ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल परफॉर्मर्स से एक नाटक होस्ट किया। उस नाटक टीम का नाम था मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी। इस नाटक का मूल मकसद कम्युनिज्म को बढ़ावा देना था। कुछ दिनों बाद जिमिनी स्टूडियो के मैनेजर SS वासन फिर से नया मेहमान लाते हैं, जिसका नाम स्टीफन स्पेंडर होता है। वो जिमिनी स्टूडियो में भाषण देते हैं, लेकिन उसके भाषण का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसका जो भाषण है सब ऊपर से निकल रहा था ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम। राइटर ने भी इसे तब तक नहीं समझा था जब तक कि उसने स्टीफन का नाम एक बुक में पढ़ा, और उस बुक को पढ़कर ऑथर अशोका मित्रन समझ जाते हैं कि आखिर में वो आदमी यानी कि स्टीफन कहना क्या चाह रहा था। दोस्तों, ये था पोएट्स एंड पेनकेक्स चैप्टर का समरी एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करें। यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।